दोस्तों आईपीएल 2023 के 57वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़े टीमें आमने सामने थी। हार्दिक पांड्या की टीम का मुकाबला आज रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस से होने वाला था और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं रोहित की टीम मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती थी। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई इंडियंस के दो दिग्गज और खतरनाक बल्लेबाज मैदान में उतरे और इस महामुकाबले में रोहित और ईशांत किशन के कंधों पर मुंबई इंडियंस को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जीटी की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी। लेकिन दोस्तों उससे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो का टारगेट है केवल 50 लाइक्स का। और दोस्तों शमी ने पहला ओवर बड़ा ही किफायती फेंका जिसमें मात्र 5 रन आए, लेकिन इसके अगले ही ओवर में मुंबई इंडियंस के दोनों बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और मोहित शर्मा के इस ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन कूट दिए। वहीं अगले ओवर में ईशान किशन ने भी मोहम्मद शमी की दूसरी ही बॉल पर फाइन लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और फिर इसी ओवर की लास्ट बॉल पर शर्मा जी ने भी ओवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 17 रन आए और मुंबई इंडियंस को जिस शुरुआत की दरकार थी वो उन्हें मिल चुकी थी। मुंबई के ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज मैदान के चारों तरफ रन बरसा रहे थे और मुंबई का स्कोर 6 ओवर के बाद 61 रन था बिना कोई विकेट गवाए। लेकिन इसके बाद गुजरात की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए चालाक और चतुर बॉलर राशिद खान और राशिद खान ने पहली ही बॉल पर इस मैच में खतरनाक दिख रहे रोहित शर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा ने 18 बॉल में 29 रनों की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 2 लंबे छक्के भी शामिल हैं। अब रोहित के आउट होने के बाद मैदान में आए मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव और स्काई ने आते ही चौके के साथ राशिद खान का स्वागत किया, लेकिन फिर राशिद ने बीट का जवाब पत्थर से दिया और इसी ओवर की 5वीं बॉल पर ईशान किशन को LBW आउट कर दिया। ईशान किशन ने 20 बॉल पर 31 रनों की पारी खेली जिसमें 4 चौके और 1 छक्का भी शामिल है। ईशान के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आए मुंबई इंडियंस के उभरते स्टार निहाल वधेरा और निहाल ने आते ही कुछ आकर्षक शॉट लगाए और सूर्य के ऊपर से प्रेशर रिलीज किया और 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर राशिद ने निहाल को भी LBW आउट कर पवेलियन की ओर चलता कर दिया। निहाल ने 7 बॉल पर 15 रनों की पारी खेली। एक तरफ मुंबई के लगातार विकेट गिर रहे थे तो दूसरी तरफ सूर्य चट्टान की तरह क्रीज पर टिके हुए थे और अब सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने आए मुंबई के एक और युवा बल्लेबाज विष्णु विनोद और यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने MI की लड़खड़ाती पारी को संभालना शुरू किया और अगले 7 ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने 65 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। लेकिन 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर विष्णु विनोद 20 बॉल में 30 रन बनाकर मोहित शर्मा की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं। अगले ओवर में टिम डेविड भी राशिद खान को अपना विकेट दे बैठते हैं और 17 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर था 5 विकेट पर 164 रन। अब सूर्य भी 34 बॉल पर अपना 50 लगा चुके थे और पारी के अभी 3 ओवर शेष बचे हुए थे और अब शुरू होता है सूर्य का असली तूफान। सूर्य ने अगले इन 3 ओवरों में ऐसा खेल दिखाया कि हार्दिक भी हक्के बक्के रह गए। सूर्य ने अगली शेष बची 18 बॉलों में से मात्र 15 बॉले खेली और मात्र इन 15 बॉलों में सूर्य ने एक और 50 ठोक दिया जिसे देखकर हार्दिक की भी आंखें फटी रह गई और सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस पूरी पारी में मात्र 49 बॉलों पर ताबड़तोड़ 103 रनों की पारी खेली जिसमें 11 चौके और 6 मैक्सिमम छक्के भी शामिल है और मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार की इस तूफानी पारी की बदौलत 218 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। अब गुजरात को इस मैच को जीतने के लिए 20 ओवर में 219 रन बनाने थे और अब गुजरात की तरफ से इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे 2 दिग्गज बल्लेबाज शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के कंधों पर अपनी टीम गुजरात टाइटंस को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी ने गुजरात की इन उम्मीदों को शुरुआत में ही तोड़ दिया और पारी के दूसरे ही ओवर में 5वीं बॉल पर आकाश मधवाल ने रिद्धिमान साहा को LBW आउट कर दिया। साहा 5 बॉल पर मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बैटिंग करने आए खुद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या और पांड्या ने आते ही चौके के साथ आकाश मधवाल का स्वागत किया, लेकिन इसके अगले ही ओवर में 3री बॉल पर जेसन बेरेंडोर्फ ने हार्दिक पांड्या को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। पांड्या इस मैच में 3 बॉल पर मात्र 4 रन बना पाए। हार्दिक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विजय शंकर और विजय शंकर ने भी आते ही जेसन बेरेंडोर्फ का चौके से स्वागत किया, लेकिन इसके अगले ही ओवर में आकाश मधवाल ने शुभमन गिल को LBW आउट कर दिया। गिल इस मैच में 9 बॉल पर मात्र 6 रन बना पाए और गुजरात के मात्र 26 रनों पर ही 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और अब गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर और गुजरात को मिलर से सूर्य कुमार यादव जैसी ही बड़ी पारी की उम्मीद थी और अब यहां से डेविड मिलर और विजय शंकर ने गुजरात की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अभी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 22 रनों की साझेदारी हुई थी कि पीयूष चावला ने 7वें ओवर की पहली ही बॉल पर विजय शंकर को LBW आउट कर दिया और विजय शंकर ने अपनी इस पारी में 14 बॉल पर ताबड़तोड़ 29 रन बनाए। इस मैच में गुजरात का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था और गुजरात
गुजरात के लगातार विकेट गिर रहे थे। जीटी की आखिरी उम्मीद बस डेविड विलर पर टिकी हुई थी जो एक एंड संभाले हुए थे, लेकिन जीटी की ये उम्मीद भी 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर आकाश मधवाल ने तोड़ दी और मिलर को भी LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मिलर ने 26 बॉल पर शानदार 41 रनों की पारी खेली। जीटी के 13 ओवर तक 113 रनों पर 7 विकेट गिर चुके थे और गुजरात के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ राशिद खान शो और राशिद ने स्टेडियम में मायूस बैठे गुजरात के फैंस के साथ साथ मुंबई के फैंस का भी दिन बना दिया और मैदान के चारों ओर ऐसे ऐसे शॉट खेले जिसे देख पूरा स्टेडियम राशिद की इस पारी का मुरीद हो गया। राशिद ने मुंबई के बॉलरों की मारते मारते हवा खराब कर दी। राशिद खान ने अपनी इस पारी में 32 बॉल पर नाबाद 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जिसमें 3 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। और नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए किसी भी बॉलर ने आज तक अपनी एक पारी में 10 छक्के नहीं लगाए हैं। राशिद अपनी टीम गुजरात को जीत तो नहीं दिला पाए, लेकिन उन्होंने अपनी इस पारी से सभी को अपनी बैटिंग का मुरीद बना दिया और जिस हालात में गुजरात के 120 रन बनाना मुश्किल लग रहा था, राशिद की इस तूफानी पारी के बाद गुजरात की टीम 191 रनों तक पहुंच गई। वहीं राशिद ने अपनी इस तूफानी पारी की बदौलत अकेले दम पर गुजरात को 191 रनों तक पहुंचा दिया और केवल 27 रनों से गुजरात की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से गुजरात की टीम को नेट रन रेट में ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको भी राशिद की ये आतिशी पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक करके ही जाना।